वो कॉर्पोरेशन का मकसद यही है कि ये डिपार्टमेंट चाहता है वो डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल लाने में बुलाया है। इसमें सबसे अहम जो एजेंडा है इंडस्ट्री को, यहाँ के बाकी डिपार्टमेंट को, सरकारी डिपार्टमेंट को, यहाँ के समझदारों को, यहाँ के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को वो वाजिब अदा होने चाहे और उसमें हम तब कामयाब होंगे जब डिपार्टमेंट हमारा इस्तेदा है। यहाँ के तमाम सारे तो हमें उम्मीद है कि वो उरूज होगा ताकि ये कॉर्पोरेशन खाली हम पूरे और गवर्नमेंट के जो इकदाम है, जो यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका इतलाक हो जाए और एक बेहतरीन इन्वायरमेंट को भी मुनाफा बख्श बनाने पे यही हमारा मकसद था। तो इसलिए में अपने प्रोग्राम्स तैयार करते हैं मुलाजमों को किस तरीके से हमें डिस्कनेक्शन करना है, रूल आया है। और जब जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जिसकी सदारत हमारे मोहतरम मुश्ताक अहमद नजार कर रहे हैं, आज हमने जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जिसमें मेन एजेंडा हमारा यही है। क्योंकि इस वक्त सबसे चैलेंजेबल जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि बिजली फीस रेवेन्यू जिसका मसला है। क्योंकि आप सब समझते हैं कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में बाइफ्रिकेट हुआ है, तब से लेकर आज तक यहाँ के रूल्स भी चेंज हुए, यहाँ का जो काम करने का ढंग है वो भी बदल चुका है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन आपकी माध्यम से यहाँ के होटलियर्स, यहाँ के कमर्शियल जो भी यूनिट्स हैं, यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, सार्फिन हैं, हमारे मोअज्ज़ज़ मोहतरम उनसे इस्तेदा करती है कि आज चूंकि मार्च चल रहा है, फैग एंड पे हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो हम यही तवक्का रखते हैं कि जो बिजली फीस बकाया है उसका जल्द अज जल्द वसूलियाबी मुमकिन हो। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से तमाम मुलाजमून को पीडीएल टीडीएल से लेकर हमारे इंजीनियर फर्टिलिटी तक जितने भी मुलाजमीन हजरात हैं कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उनको भी मैं इस्तेदा करता हूँ बाईसेट जनरल सेक्रेटरी कि वो फिलहाल इस महीने में तमाम मसरूफियात को एक तरफ छोड़कर सिंपली अपने घरों से निकले, अपने ऑफिसों से निकले और जो इस वक्त फोकस करने की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप मीडिया बिल्कुल इस बात का बरबला बार बार इजहार कर रही है कि चाहे कोई भी आफात समावी हो, चाहे आग हो, चाहे बर्फ हो, चाहे जलजला हो, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो, हर एक सिलसिले में हमने हमेशा बर्फ के साथ साथ बिजली भी चलाया, पानी के साथ साथ बिजली भी चलाई और हर वक्त हमारा डेली वेजर, हमारा लाइनमैन, हमारे तमाम मुलाजमीन, हमारे इंजीनियर्स फ्रंट लाइन वैरियर की हैसियत से डिपार्टमेंट को चलाने में कलीदी रोल इख्तियार कर रहे हैं। मगर जब रेवेन्यू का मसला आता है तो उस वक्त हम परेशान होते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि लोग कमा हक हूं, लोगों को हमारे साथ इस मामले में कॉपरेशन करने की जरूरत है। यहां के होटलियर्स को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, यहाँ के कमर्शियल हब चलाने वालों को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, इवन की यहाँ के स्टेट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को इस्तेदा करते हैं, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाजाबता तौर इस महीने के एंड तक हमारा जो बिजली फीस है उसको जल्द अज जल्द वसूल किया जाए, उसको पे किया जाए, ताकि ये महकमा जो हमारा है, कॉरपोरेशन जो हमारा है, ये मुनाफा बख्श हो जाए। जब ये मुनाफा बख्श होगा तो हमारे मुलाजिम भी तरक्कियों से नवाजा दिया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट कमजोर पड़ गया, अगर हमारा महकमा कमजोर पड़ा, तो हमारे जो टर्मिनल बेनिफिट्स है, हमारे जो बाकी बेनिफिट्स है, तो हम उससे बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। क्योंकि कॉरपोरेशन एक्ट्स के तहत जब तक कॉरपोरेशन मुनाफा बख्श होगा मुलाजिमों का मुस्तकबिल संवार दिया जाएगा। कॉरपोरेशन अल्लाह बचाए नॉट प्रॉफिटेबल बन गई तो ये तलवार डायरेक्ट यहां के एम्प्लॉयज पे पड़ जाती है। और दूसरी बात, ये पहली हमारी
जो एजेंडा थी इस मीटिंग का, दूसरी जो पीडीएल टीडीएल का मसला है। क्योंकि हम सरकार को वेलकम करते हैं, हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं एलजी इंतजामिया की, पावर मैनेजमेंट की, नीतीश्वर कुमार साहब का, कि जिन्होंने बर वक्त लॉ ओपिनियन दे दी, एक प्रोटोकॉल दिया और एक रोड मैप बना दिया डेलीवेजर्स के को लेकर। मगर इस सिलसिले में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन अरबाबी इक्तदार से इस्तेदा करती है कि उनकी मुस्तकली के लिए जितनी जल्द हो सके वार फुटिंग बेसिस पे उनकी मुस्तकबिल के मुस्तकली के लिए अहकाम जारी होने चाहिए। तीसरी बात वो यही है, क्योंकि आज तक हमारा हम मुबारकबाद करते हैं जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन, क्योंकि रिसेंटली हमारे एजाज साहब जो इस कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर थे तो वो सबकदोश हो चुके हैं, तो उसको भी हम मुबारकबाद कहते हैं, क्योंकि इस पुराशोभ दौर में वो बहुत सी खूबी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। तो उसके बाद इंजीनियर जावेद यूसुफ साहब जो हमारे नए चीफ इंजीनियर साहब हैं, उसका माजी बहुत दरख्शां है, ब्राइट है, आज तक जिस पोस्ट पे उसने काम की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खूबी बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। मगर बहसियत चीफ इंजीनियर पहली बार वो केपीडीसीएल का चीफ इंजीनियर आया, आज तमाम कोरम उसको दिल के अमीक गहराइयों से वेलकम करते हैं और उम्मीद कभी रखते हैं कि इंजीनियर जावेद यूसुफ डार साहब कॉरपोरेशन केपीडीसीएल के जो भी मुलाजिम हैं, यहाँ का डेलीवेजर, यहाँ का लाइनमैन, यहाँ का क्लर्क, यहाँ का पीडीएल, यहाँ का मीटर रीडर, यहाँ का टेक्नीशियन, यहाँ का इंजीनियर एडब्ल्यू अप टू एससी लेवल तक, हर एक के साथ खुश असलूबी से पेश आएगा, डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन को तरक्की के राहों पे गामजन करने में वो कलीदी रोल इख्तियार करेगा, और जितने भी मसाइल मुलाजमों के पड़े हुए हैं उनको जल्द अज जल्द हल करने के ख्वाह हो तो यही उम्मीद है। सर्कल लेवल पे डीपीसी का इनकार होना चाहिए वार फुटिंग बेसिस पे, क्योंकि पिछले दो सालों से बहुत धीमी तरीके से डीपीसी में सुस्ती है, तो उसको बिल्कुल वर्कआउट करके तमाम एससीज को डायरेक्शंस दे, ताकि जो जावेद साहब पे हमें उम्मीदें हैं तो उन उम्मीदों का इंशाल्लाह बरम रह जाए। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हमने आज मीडिया की वसातत से आप लोगों तक पहुँचाए, और लोगों से इस्तेदा करते हैं कि आप लोगों ने हमेशा हमें कोऑपरेट किया है, यहाँ के मुलाजमों को कोऑपरेट किया है, और हमने हमेशा डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए काम किया है। मगर इस वक्त हमारे भी कुछ अर्जदाश्त हैं, वो यही हैं कि कम अज कम बिजली फीस का जो वाजबुल अदा रकम है उसको वसूल किया जाए, ताकि इस कॉरपोरेशन को मुनाफा बख्श के जुमरे में लाने की कोशिश की जाए, और इंशाल्लाह जब कॉरपोरेशन मुस्तहकम हो तमाम मुलाजमीन मुस्तहकम रहेंगे। अगर कॉरपोरेशन मुस्तहकम नहीं होगी तो हमारे ऊपर भी ये तलवार लटक जाएगी। तो इसलिए मीडिया की वसातत से आप ये बातें अरबाबी इक्तदार तक पहुंचाओगे, यहाँ के लोगों तक पहुंचाएंगे, और आप लोगों का सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दे दिया हमारे साथ, और जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ज़ेरे सदारत मुश्ताक अहमद नजार तमाम मुलाजमों को इस्तेदा करती है कि वो जांफिशानी से अपनी काम को अंजाम दे, ईमानदारी से, और रेवन्यू रियलाइजेशन के लिए अपने आप को तैयार रखे, टीएनडी लॉसेस को कम करने में अपना स्किल वहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, अपने स्किल को बरोए कार लिया जाए, यहाँ के एटीएमसी लॉसेस को कम किया जाए। तो यही हमारी चाहत है, बाकी बस आपको सर बस।